प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अ पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया तारिक फतेह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या आपने ज्वाइन किया है। और सर बड़ा हंगामा है, कभी DGISI और DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी इमरान खान कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा खड़े होके, ये इस तरह का माहौल क्यों है और आपके ख्याल से किसने क्रिएट किया, और क्या कभी पहले हिस्ट्री में कभी इस किस्म का माहौल आपने पाकिस्तान में देखा है। वैसे तो हर जो भी गवर्नमेंट आती है वो एस्टेब्लिशमेंट की ही लाइवी होती है, तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया है जो इमरान खान इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ कि पूरा क्राइसिस आइडेंटिटी का है पूरे पाकिस्तान में कि हम हैं क्यों, ये हु आर वी, कोई कंट्री है, नेशन है, स्टेट है, आर्मी है, इमरान खान है, या हु आर वी। जहन में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिसको हम उर्दू स्पीकिंग पंजाबी कहता हूँ मैं, उनके जहन में एक आइडेंटिटी क्या है, वो जो पाकिस्तान जो कहते हैं ना, बस वो एक मुल्क है और उसके लिए वो जान देने के तैयार हैं, बाकी जाए भाड़ में। तो चाहे पीटीएम वाले हों या डॉक्टर अल्ला नज़र पहाड़ियों पे लड़ रहे हैं वहाँ बलोचिस्तान में, या जीएसएन महाज है, या एमक्यूएम है, ये सब आप समझिए कि दे आर फोर्सेस जिसको दैट आर पुशिंग आउटवर्ड्स, यानी इफ उसको क्या स्पेसिफिक टर्म फॉर इट, बट एवरीथिंग इज बींग pushed apart from each other. There is nothing in the institution that can bring people together. Multinational states bahut kam hai duniya mein, Pakistan and India are one of the few, Europe ke andar to aapko do hi mulk aise hain jahan multinational states hain, lekin unko chalane ke liye ek federation ka system hota hai jisme equal membership hoti hai, to thoda bahut hamare constitution mein wo 18th अमेंडमेंट के अंदर थोड़ी एडजस्ट किया था, क्योंकि हम जहनी तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वी आर अ फेडरेशन ऑफ फोर डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड अ होल लॉट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम इंडिया, इसको हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो जोड़ेगी हमें, वो रह जाती है एंड में इस्लाम। अब इस्लाम के नाम पर आपने सियासत करनी है, वो जो तुर्क नहीं कर सके, ऑटोमन एम्पायर 600 साल के अंदर नहीं कर सका, उमय्यद नहीं कर सके, वो बासी नहीं कर सके, तो हम आके ये जिनको ना अपनी मादरी जबान का पता है ना ओरिजिन का पता है, एक्टिंग करते रहते हैं कौन है कहाँ से हैं, तो वी डोंट नो हु वी आर। इफ वी डोंट नो हु वी आर, वी विल नेवर बी एनीथिंग, खाली ढोल बजाने वाले। अब हम बांग्लादेश को देखिए कि 70 की जंग के बाद भूखा बंगाली कहते थे, आम जबान में होता था, वो आज का जीडीपी आपसे ज्यादा है, पॉपुलेशन आपसे कम हो गई। सिर्फ ये सोचिए कि पाकिस्तान जब एक था तो ईस्ट पाकिस्तान वो 60% ऑफ द पॉपुलेशन, टुडे बांग्लादेश पॉपुलेशन इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट वाज देन वेस्ट पाकिस्तान। हाउ डिड इट हैपन? औरतों की एम्प्लॉयमेंट, उनकी इंटीग्रेशन इन द वर्किंग सोसाइटी, स्मॉल बिजनेस को करना, औरतों को रोकना नहीं। आप ढाका जाके देखिए, यू विल सडनली फाइंड कि ये कैसे औरतें साइकिलों पे जा रही हैं, रिक्शों में जा रही हैं, काम कर रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सब कुछ देखने के बाद भी वी आर स्टिल ब्लाइंड। और आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी फैक्ट्रीज मूव कर दी हैं टू बांग्लादेश, वहाँ वो किसी ने बड़ी अच्छी बात क्रिकेट की भी की थी कि ये जब सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मिलते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, किसी का टैटू होता है, कोई क्या करता है, हमारे लोग जो सारी क्रिकेट टीम होती है वो बात ही नहीं कर सकती किसी जबान में, किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकते। तो वी हैव स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट चेन, यानी स्टीम इंजन तो छोड़ दीजिए, अब तो आईफोन और इंटरनेट का जमाना गुजर चुका, हम अभी तक नहीं आ सके उस दौर में कि हमारी कराची की स्टील मिल से क्या इनोवेशन होगी, या कालाबाग डैम से इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है तो उसका क्या इस्तेमाल होगा। वी आर स्टिल एट द स्टेज जहाँ हम समझते हैं कि दरिया के पानी को रोकना मंगला डैम पे बहुत बड़ी हमारी वो है अकम्पलिशमेंट है, कि एक शहर डुबा दिया और वहां जो रहने वाले थे सबको इंग्लैंड भेज दिया। दिस इज द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ पाकिस्तान सो फार। तो वी हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी इनोवेशन,
जो हमारे सोचने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, परवेज हुड बॉय समझिए या नजम सेठी, इस टाइप के लोग जो थोड़ी बहुत सोच वोच रखते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, वो किनारे पे हैं, दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम, यू नो, वो जो बात भी कहते हैं घुमा फिरा के करनी पड़ती. सो इन द एब्सेंस ऑफ पीपल विद विजडम यू विल हैव इडियट्स हु आर सिंपली हैंडसम के ओ इतना खूबसूरत बंदा है, चलो चलिए. इमरान खान आ गया जलसे में जा रहे थे, नोबडी नोस के इमरान खान ने जिंदगी में कोई किताब पढ़ी है. इससे कोई ये पूछे विच इज द लास्ट बुक यू रेड, ही विल बी ब्लैंक, व्हाई शुड आई रीड, वो ये कहेगा. बच्चे जो आपने बेटे नहीं लेके आ सका पाकिस्तान, बीवी उसकी नहीं कभी आई यहां, जो बीवी आई दूसरी या तीसरी जो थी उस तक ने वो किताब लिख दी, तो व्हाट इज द फ्यूचर दैट सो मेनी पाकिस्तानीज, जो आप मेरी तरह मिडिल क्लास के या अपर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो मरे जा रहे हैं, हाय इमरान खान आ गया. दैट मींस देयर इज नथिंग देयर इन दिस सोसाइटी, देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग. तो आपको तो वो अल्लाह मियां ने भी कहा ना, जैसे लोग होंगे वैसे ही लीडर मिलेगा. अच्छा, पहले सर ये भी था कि जो आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास की, पहले वो खानदानी एक तरीका होता था या खानदान होता था जिससे हम जज करते थे या कहते थे कि मिडिल क्लास है या अपर क्लास है. अब वो हाँ. वो मैयार पैसे पे आ गया है. अब चाहे कोई कुछ भी हो, अगर पैसा है तो वो ऑटोमेटिकली वो अपर क्लास कहलाता है. ऐसा क्यों है? अब वो दैट इज द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म, जहां जो खुदा है वो पैसा होता. ये कार्ल मार्क्स थोड़ी बहुत पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा सब लोगों को. लेकिन ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने हर कम्युनिस्ट को यू नो टांग दिया, मार दिया. ऐसे ही नहीं, 1952 में वन ऑफ द फर्स्ट लॉज इन पाकिस्तान वाज टू हैंग द कम्युनिस्ट, क्योंकि ये सोचने वाले लोग क्यों आ गए, ये कहां से आ गए, ये इस पंजाब से भी कम्युनिस्ट आ रहा है और हैदराबाद दक्कन से भी आ रहा है. वो एक को तो कैसे मारा था, सांप से कटवा दिया था. His mother came from India all the way. नाम भूल रहा हूँ उसका, but anyway, Lahore Fort में मारा. ईरान के अंदर भी आप देखिए, उन्होंने चुन चुन के पहले जो 5,000 लोग मारे वो सब मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट पार्टीज के मेंबर थे. उन्होंने कहा इनका खत्म करो, ये सोचने वाले लोग तंग करेंगे हमें बीच में, और अपने लिए नहीं लड़ेंगे, किसी और के लिए लड़ेंगे. तो अब आपको कोई भी नहीं मिलता जो अपने सेगमेंट के लिए ना लड़ रहा हो, हर कोई अपने उसके लिए लड़ रहा है. 60s में या लेट 50s में, हमने अर्ली 70s में भी देखा कि पीपल वर डेडिकेटेड टू फाइट. वो रोटी कपड़ा मकान मजाक बना देते हैं, बट एवरीवन वाज फाइटिंग के जो हमसे गरीब है उसकी बेहतरी हो, तो दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंप्रूविंग सोसाइटी. टीचर्स की सैलरी 300 रुपये होती थी जब भुट्टो साहब आए, और आई रिमेम्बर जब 1100 मिनिमम हुई तो इट बिकेम अ प्रोफेशन सीरियसली, वरना टीचर को समझा जाता था इसका कोई उठना बैठना नहीं है, ये ट्यूशनों पे पढ़ाएगा, ये पेपर लीक करके बेचेगा, तब इसको पैसे बनेंगे. यू एलिवेटेड इट टू आई थिंक ग्रेड 18 या कुछ ऐसा होता था, उसमें टीचर की मिनिमम सैलरी उस वक्त अबाउट 1100-1200, एंड सडनली टीचिंग बिकेम अ प्रोफेशन. वो कराची यूनिवर्सिटी से आगे उनका टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी था. सो लोग सोच मिडिल क्लास जो थी वो सोचती थी सोसाइटी की. अब की मिडिल क्लास कहती है पैसा किस में बनेगा ताकि हम भी स्टाइल में आ जाएं. बिल्कुल, तो हमारे यहाँ क्लास कहलाएं, हम भी अपर क्लास कहलाएं. मैं एक आपको स्टार्क एग्जांपल बताता हूँ कि इफ यू आर फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी एंड यू आर पुअर, आपकी जिंदगी गारंटीड नहीं है, यू विल बी किल्ड. बट इफ यू आर अपर क्लास एंड यू आर From the LGBT community, you are a star. बड़ी बड़ी आंटी आपके साथ आके बैठेगी. Oh, this wine is. Oh yes, I like that flavor. Any, we have become prisoners of our own of money that we worship as God. नमाज में भी जो पढ़ता है मुझे लगता है वो यही मांगता है कि अल्लाह को लॉटरी निकल आए. Nobody. मुझे सर एक मिली थी अपर क्लास की, कहूंगी बहुत पैसे वाली किसी जगह,
तो मैंने वैसे बात हो रही थी तो मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिल रहा नेल पेंट लगाने का ना। कहती है तुम्हारे नेल पेंट कौन लगाता है? मैंने कहा मैं खुद खुद लगा लेती हूँ। वो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह।